नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमकीन की रेसिपी, जिसे कि आलू से बना के दिखाऊंगी। और ये वाले नमकीन को आप महीनों स्टोर करेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होंगे। जैसा कि रक्षाबंधन पास में ही है और आप लोगों ने बहुत सारे मीठे बनाए होंगे या मीठा बनाने का सोच रहे होंगे, तो मीठे के साथ कुछ तो नमकीन चाहिए। तो ये नमकीन आप बना के अभी से भी चाहें तो रख सकते हैं और अपने त्यौहार में ज़्यादा से ज़्यादा समय का बचत कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको कैसे बनाना है वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी वीडियो को छोड़ छाड़ के नहीं देखिएगा। और आज जो तरीका मैं बताऊँगी ना, ये सब कोई अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो नमकीन के लिए हमें चाहिए होगा आलू। आलू को उबाल के पहले से अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। आलू गर्म नहीं होना चाहिए। आलू जितना अच्छे से ठंडा होगा, आपकी जो नमकीन है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और कुरकुरे बनेंगे, वो बाद में भी सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि आलूओं का पहले छिलका हम हटा लेते हैं बहुत अच्छे से। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगेगा, वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए दोस्तों, तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा। आपके लाइक से हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और मन लगता है वीडियो भी बनाने में। आप लोग पसंद करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे से रेसिपी लेके आऊँगी जो कि आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा। आलू के नमकीन बनाने के लिए आपको जितना नमकीन बनाना है उस हिसाब से आप आलू ले लीजिएगा। ये कम आलू में ज़्यादा नमकीन बनके तैयार हो जाता है। तो मैं यहाँ पर दो आलू ली हूँ। अब यहाँ पर लेना है बारीक वाला कद्दूकस। अब इस पे आलूओं को हमें अच्छे से बारीक कर लेना। इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा जो है वो नहीं जाना चाहिए। तो सबसे अच्छा होता है आलू को मैश करने का तरीका कि आप इसको कद्दूकस कर लें। इसी तरीके से दोनों आलू को कद्दूकस करके और पहले तैयार कर लेंगे। आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और भी नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को देखना है तो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग जाके ज़रूर से देख सकते हैं। तो जो मोटा मोटा टुकड़ा गिर चुका है उसको फिर से इस पर डाल के अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। यहाँ पर आलू को अच्छे से कद्दूकस कर ली हूँ और इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा नहीं बचा है। अब ले लीजिए कोई भी बड़ा बर्तन जिसमें कि जो नमकीन का ये मिक्स है उसको हम लोग अच्छे से लगा सके। तो इसके लिए आपको कोई भी बड़ा बर्तन लेना होगा। अब इसमें जो भी रह गया होगा छोटा मोटा टुकड़ा, तो अभी हम लोग इसमें जब मसाला ऐड करेंगे तो साथ में वो भी अच्छे से टूट जाएगा। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और साथ में डालेंगे यहाँ पर धनिया और जीरा का पाउडर। मसाला आपको यदि मसालेदार बनाने हैं तो आप मसाला डाल सकते हैं। थोड़ा चटपटा इसको बनाइएगा तो खाने में अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसमें डाले हैं लाल मिर्ची का पाउडर और जो भी मसाले आपको ऐड करने हैं तो वो इस टाइप से पिसा हुआ ही डालिएगा, तो ये बनाने में आपको आसान होगी, सहूलियत होगी। साथ में डालेंगे इसमें चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला है। आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग इसी हिसाब से घर में चाट मसाला बना के रख सकते हैं। चाट मसाला में भी नमक है तो इसमें हिसाब से डालेंगे थोड़ा सा प्लेन वाला नमक। आप इसमें काला नमक, यदि आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। अभी सारे मसाले को आलू के साथ अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसमें जो भी छोटा मोटा यदि मान लीजिए गुठली सा गिर गया होगा आलू का, तो वो भी अभी के समय में मैश हो जाएगा। इसको मशीन से बनाया जाता है लेकिन आज बिना मशीन का ही आपको बना के दिखाने वाली हूँ। जो जिनके पास नहीं है सेव मेकर, यानी कि सेव नमकीन बनाने वाला जो साँचा होता है, तो वो भी अपने घर में बहुत ही आसानी से इसको बना पाएंगे। तो आज की रेसिपी मिला जुला के बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से आप घर में बाजार जैसे आलू के नमकीन बना के रख सकते हैं, आलू के भुजिया बना के रख सकते हैं। ये सबको पसंद आता है, बड़े हो या बच्चे हो, सभी कोई को इसका जो स्वाद है पसंद आएगा। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं और मीठे के साथ भी
नमकीन जो खाने का मन करता है तो आप इसको खा सकते हैं। देखिए अच्छे से इसमें मसाला वगैरह सारी चीज़ को मिक्स कर दी हूँ। अब ये बहुत अच्छा कुरकुरा बने, खस्ता बने, इसके लिए इसमें आपको तेल डालना होगा। तो यहाँ पर एक चम्मच तेल डाल देती हूँ, क्योंकि आलू का जो मात्रा है वो दो ही है, तो इसमें एक चम्मच तेल डाल देंगे तो थोड़ा थोड़ा करके दो बार, यानी कि ये चम्मच से बड़े वाले से एक चम्मच ही तेल डालना पड़ा है। यदि आपके पास छोटा वाला चम्मच है तो आप उसमें दो चम्मच तेल डाल सकते हैं। तेल डालने के बाद फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको ज़रूर से इसमें तेल डालिएगा, तभी ये कुरकुरा बनेगा, खस्ता बनेगा, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। जब आप खाएंगे तो हार्ड लगेगा खाने में। एक होता है ना कि सॉफ्ट लगता है, और एक होता है खाने में थोड़ा कड़ा लगता है, तो उस टाइप वाला ये कड़ा हो जाएगा। थोड़ा तेल ज़रूर डाल लीजिएगा। और यहाँ पर आप तेल यदि रिफाइंड खाते हैं तो रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि नहीं खाते हैं तो आप सरसों का तेल भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमें डालना होगा बेसन। तो आप चने का बेसन घर में कैसे तैयार करते हैं, यदि आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगा, बेसन तैयार घर में आप करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी। तो ये घर में तैयार किया हुआ चने का बेसन है। आप लोग भी घर में बहुत अच्छे से बेसन हो या चावल का आटा हो घर में बनाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे रेसिपी ले सकते हैं। इसमें बेसन डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके। तो पहले बेसन को एक बार अच्छे से छान जरूर लीजिएगा, जिससे कि इसमें कोई भी गांठ गुठली सा ना रहे। यदि गांठ गुठली रहेगा तो फिर आप इसका जो नमकीन है वो अच्छे से नहीं बना पाएंगे। और आलू में काफ़ी नमी है, तो पहले हम लोग आलू के साथ ही बेसन को मिक्स करेंगे, और इसमें पानी पहले नहीं डालेंगे। पानी डाल देने से ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, फिर जब आप इसका नमकीन बनाएंगे वो बन जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में वो सॉफ्ट पड़ जाता है। तो ये छोटे छोटे से बातों का आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप इस टाइप का नमकीन बना रहे हैं आलू वाले। तो अब इसको इस तरीके से हल्का हल्का सा ज़्यादा मसलते हुए और इसको लगाएंगे, और थोड़ा थोड़ा सा इसमें बेसन भी ऐड करते जाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, उससे भी आपके नमकीन अच्छा बनता है, कुरकुरा बनता है। और चाहे तो सिर्फ आलू और बेसन के साथ, जैसे मैं आज आपको बना के दिखा रही हूँ, ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको फेंटते हुए और गूथना है। जैसे हम लोग बड़ी के लिए बेसन लगाते हैं ना, जो बेसन एकदम हल्का हो जाता है, उसी तरीके से इसको हमें हल्का करना है। ये स्टेप जो है आपको ज़रूर से करने हैं, इस तरीके से करते हुए, और जितना इसमें बेसन लग जाए उतना ही बेसन डालेंगे। इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। तो 5 मिनट तक इसको अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि हमारा बेसन थोड़ा लूज हो जाए। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे ना, यह गीला होगा, बहुत ज़्यादा गीला लगेगा तो थोड़ा सा आप इसमें बेसन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेसन को बहुत अच्छे से गूँथ ली हूँ, और ये बेसन बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है, क्योंकि इसको बिना मशीन का बनाएंगे तो बेसन को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना। बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो फिर आप इसको बना नहीं पाएंगे। अब इसको बनाने के लिए लेना है, यहाँ पर कोई सा भी आप पॉलीथीन का टुकड़ा एक ले सकते हैं। तो ये आटा का जो खाली पैकेट होता है उसका ही कट करके ले ली हूँ, और इससे ही आज मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ कि कैसे सेव नमकीन हम लोग बनाएंगे। ग्लास के ऊपर चाहे कटोरा के ऊपर आप इसको रख लीजिए और इस तरीके से पकड़ लीजिए, जिससे कि ये थोड़ा सा पॉलीथीन जो है टाइट हो जाए। और यहाँ पर ये वाले चम्मच को थोड़ा सा गरम कर ली हूँ। गरम करने के बाद इसमें हमें होल करने हैं। देखिए तो बहुत ज़्यादा सटाके नहीं करना है, थोड़ा सा दूरी पे करेंगे इस तरीके से, और बहुत ज़्यादा पतला पतला भी नहीं करेंगे। आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही करके अच्छे से होल्स कर लेंगे, जिससे कि ये निकले बहुत अच्छे से, सेव नमकीन हमारा बन जाए बिना मशीन बिना साँचे का। देखिए तो थोड़ा थोड़ा दूरी पे ही कीजिएगा, बहुत ज़्यादा सटाके करने से फिर ये अच्छा से नहीं बन पाता है, तो इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। पॉलीथीन में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, जिधर से उल्टा साइड, किधर भी आप उल्टा, किधर भी आप सुलटा रख सकते हैं। तो एक तरफ से आपको थोड़ा सा तेल लगा लेना है, और जहाँ पर होल्स किए गए हैं वहीं पर हमें बेसन को रख देना है। बेसन को रखने के बाद इसको अच्छे से पकड़ लेंगे। यदि आप ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा बेसन
लेके आप बना सकते हैं। इतना पॉलीथीन काटिएगा कि इसको आप अच्छे से पकड़ पाएं। तो यहाँ पर देखिए सारा बेसन यहीं पर है, अब इससे ही हम लोग बनाएंगे। तो चलिए तेल को डाल दी हूँ गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म कर ली हूँ। अब इसमें जो है सेव नमकीन हम लोग निकालेंगे। बहुत अच्छे से पॉलीथीन को थोड़ा सा दबाइए और ये आराम से निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ही आप बना, इससे क्या होगा जो बचा हुआ तेल है वो फिर ज़्यादा बर्बाद नहीं जाता है। आप बड़े कढ़ाई में बनाएंगे तो एक बार में ज़्यादा निकल जाएगा, और थोड़ा थोड़ा सा करके आप घर में बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा करके इसको बना सकते हैं। आँच को तेज रखिएगा और जैसे एक तरफ से हो जाए ऊपर आ जाए फिर इसको दूसरे तरफ से पलट देंगे। आलू के सेव नमकीन को बनते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और हल्का सा इसमें कलर आएगा, फिर इसको दूसरे तरफ से पलट देना है। ये हो चुका है, अब इसको दूसरे तरफ से सारे को पलट देते हैं ऐसे करके। और आप इसको मशीन से भी बना सकते हैं, यदि आपके पास सेव मेकर है तो आराम से ये बन जाता है, नहीं है तो आप इस तरीके से बना ले। हल्का सा ये पिंक होगा फिर इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से इसमें जला जला सा स्वाद आ जाता है। तो देखिए एक बार का जो है ये बन चुका है, अब इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी का बनाएंगे। और ये जब ठंडा हो जाए तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं, खाने में ये बहुत ही लाजवाब और कुरकुरा बन के तैयार होता है। दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।